और जब परफॉर्मेंस खाती हमने के बहुत बढ़िया बढ़िया गाना सेलेक्ट के लिए बनी जा रुआ सब तो जनते बनी जा कि अद कर जहिया कुआर रहलू अरे पियावा से पहले हमार रहलू। बहुत मजा आई, धमाल हुई। रुआ सब देखल मत भुलाई जा ढिशुम चैनल पे इफ्फा अवार्ड शो ए बार मलेशिया में। नमस्कार, हम हैं रितेश पांडे और हमनी के भोजपुरी के इंटरनेशनल अवार्ड शो इफ्फा जौन ए साल मलेशिया में होखे वाला बा। बहुत खुशी हो रहा बा कि हम भी अवार्ड शो के इस बार हिस्सा बनल बानी और हमनी के मलेशिया जाता नहीं जा भोजपुरी के पहला इंटरनेशनल अवार्ड शो जो लंदन, दुबई और अभी मलेशिया में होने जा रहा है। तो बहुत प्राउड वाली बात है, बहुत खुशी की बात है कि भोजपुरी हमारे एक भारत का रीजनल लैंग्वेज होने के बावजूद और हमारा भोजपुरी यूपी और बिहार से निकल के अभी लंदन, मलेशिया, मतलब हमारे देश से बाहर भी इसका अवार्ड शो हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इफ्फा अवार्ड शो के सारी टीम को जो भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, एक भोजपुरी को अलग पहचान देने के लिए इतना मेहनत करते हैं। और ए बार हमहू आए वाला बानी मलेशिया में, काफ़ी बड़ा मंच बा भोजपुरी खातिर और हमहू एक्साइटेड बानी कि हमरो ओजा परफॉर्मेंस बाटे मलेशिया में। हर साल हमरा के यशी फिल्म से बुलावा आवत रहे लेकिन हर साल टीवी पे ही हम देख पावत रहे कैसे कि बिजी शेड्यूल रहे और एक बार जाए के मौका मिला था, बहुत खुशी के बात बा। हम धन्यवाद देवल चाहब यशी फिल्म्स और ढिशुम चैनल के जे इतना बड़ा अवार्ड शो हमनी के अपन भाषा भोजपुरी खाती ऑर्गेनाइज करेला और भोजपुरी के आगे बढ़ावे में भैया लोग के बहुत हाथ बा। हमने के परफॉर्म करे खातिर मलेशिया में बहुत बड़ा मंच बाटे भोजपुरी अवार्ड शो इफ्फा। बहुत मेहनत कर रहा बानी जा अभी प्रैक्टिस के दौरान हमारी समिष्ठा जी हैं जो कोरियोग्राफर हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा किया जाए और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय भोजपुरी।